छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार को कोसने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती है, लेकिन उसकी कार्यप्रणाली भी इसी दलदल में गोता खाने वाली नजर आ रही है। रायपुर के हृदय स्थल शांतिनगर की बेशकीमती सरकारी जमीन को पीपीपी मॉडल के तहत कौड़ियों के दाम पर एक निजी बिल्डर को सौंपे जाने का मामला सामने आया है। शासन से होने वाली आर्थिक क्षति को लेकर अनजान बन रहे हैं। भ्रष्टाचार की सिंगल विंडो में आईएएस अधिकारी डॉक्टर आयाज तांबोली को बिठाकर सरकार के खाते में मात्र 168 करोड़ रुपए जमा कर 1500 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा कमा रहे का मास्टर प्लान इस तरह से तैयार किया गया था। विभागीय जिम्मेदारी अधिकारी ने द न्यूज से इस मामले में अपनी सफाई दी और ये भी कहा कि मंत्रिमंडल की अनुमति के बाद ही ये कार्य शुरू होगा। इसमें अभी कोई विक्रय नहीं हुआ है। इसके संबंध में अभी प्राथमिक स्तर पर हमारे पास जो 37 एकड़ ज़मीन उसको रीडेवलप करने के लिए प्रपोजल है और उस प्रपोजल के आधार पर हम लोगों ने विकल्प दिए हैं। उन विकल्पों को हमने मंत्री स्तरीय समिति के सामने रखा है। मंत्री स्तरीय समिति से मंत्रिमंडल में निर्णय के लिए जाएगा। किसी भी प्रकार का निर्णय मंत्रिमंडल से होगा, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। ये जो खबरें फैलाई जा रही हैं कि औने पौने दाम पे ज़मीनों को बेच दिया, ऐसे सरासर ये सभी खबरें झूठ हैं। कलेक्टर गाइडलाइन, हमारी एक गाइडलाइन मूल्य होता है, उसी के आधार पे हम गणना करते हैं और उस गणना के आधार पे अग्रिम कार्रवाई होगी। अभी तक किसी भी प्रकार की बिना आरएफपी के, बिना ट्रांसपेरेंसी के, बिना पारदर्शिता के इसकी कार्रवाई नहीं होगी, ये मैं आपको शतोशा बता रहा हूँ। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड का एक निर्णय लगातार मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ है। राजधानी रायपुर के शांतिनगर में लगभग 37 एकड़ जमीन हाउसिंग बोर्ड किसी निजी बिल्डर को देने की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि लगभग ये 1500 करोड़ की बेशकीमती जमीन को लगभग 168 करोड़ में सौदा करने की बात हो रही थी। ये जैसे ही ये बात मीडिया तूल पर पकड़ी तो द न्यूज़ की टीम सीधा हाउसिंग बोर्ड पहुंची और उनके आयुक्त हैं उनसे बातचीत की और उनका कहना है कि ये जो बात है केवल भ्रम फैलाया जा रहा है, वही आगे इसका निर्णय मंत्रिमंडल करेगी जिसके लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है। मेरे सहयोगी होरी साहू के साथ तिलक देवांगन, नया रायपुर, द न्यूज़।